नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। अब तक आपने जमीन का बंटवारा होते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंसान का बंटवारा होते हुए देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि भला इंसान भी कोई बांटने की चीज है। जी हाँ, दरअसल अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहाँ एक ही शख्स को दो लोगों में बांट दिया गया है, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस शख्स की ही पत्नियां हैं। दरअसल मामला मुरादाबाद का है, जहां एक शख्स के बंटवारे की कहानी सामने आई है। ये बंटवारा उसकी दो बीवियों ने किया है। पहली पत्नी के होते हुए उसने दूसरी से शादी कर ली थी, इसके बारे में उसने दूसरी पत्नी को नहीं बताया। लेकिन एक दिन उसकी दूसरी पत्नी को जब इसके बारे में जानकारी मिल गई, तो उसके बाद वो हुआ जिसकी किसी शख्स ने कल्पना भी नहीं करी थी। दरअसल एक महिला ने 2 महीने पहले SSP ऑफिस पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें उसने पति पर आरोप लगाया था कि निकाह करने के बाद पति उसे ससुराल ले जाने के बजाय किराए के घर में रखता है। इसी बीच उसे पता चला कि उसके पहले से ही एक पत्नी और 3 बच्चे हैं। ये बात कहते हुए महिला ने न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद महिला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए SSP ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए नारी उत्थान केंद्र भेजा। यहाँ काउंसलर MP सिंह ने पति और उसकी दोनों पत्नियों को बुलाया और उनसे बातचीत की। इस दौरान दूसरी पत्नी ने बताया, साल 2017 में फोन कॉल पर बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। वो दोनों पत्नियों को साथ रखना चाहता है, जिसके बाद इस मामले में काउंसलर MP सिंह ने बताया, इस शख्स का पहला निकाह 4-5 साल पहले हुआ था। इसको छिपाते हुए उसने शिकायत करने वाली महिला से लव मैरिज कर ली, उसको खर्चा भी देता रहा। लेकिन विवाद तब बढ़ा जब दूसरी पत्नी को पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चे हैं। इस मामले में दूसरी पत्नी उससे बहुत खफा है। उसका कहना है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तीनों से बात की गई, ये समझौता हुआ है कि अब दोनों पत्नियां ससुराल में ही अलग अलग रहेंगी। दोनों को पति का बराबर खर्चा और बराबर समय मिलेगा। इस हिसाब से वो दोनों को ही 3-3 दिन का समय देगा, एक दिन वो अपनी मर्जी से रहेगा। बहरहाल ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। अब इस पर आप अपनी क्या राय रखती हैं, ये हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।